दोस्तों, आज के इस आधुनिक जगत में ना ही तो शिष्य अच्छे मिलते हैं और ना ही गुरु। यहाँ सिर्फ मतलब और धन ही माने रखता है, शिक्षा और सम्मान नहीं। परंतु पूर्व काल में गुरु और शिष्य के रिश्ते का बड़ा महत्व होता था। गुरु को पिता से बढ़कर दर्जा दिया जाता था और शिष्य को एक पुत्र से बढ़कर। आज के इस युग में एक अच्छे शिष्य और गुरु की भूमिका निभाना बहुत कठिन कार्य है। चलिए जानते हैं ऐसे ही तीन उत्तम शिष्यों के बारे में। इस कथन का वर्णन महाभारत ग्रंथ के आदि पर्व में मिलता है। दोस्तों, जब शुत्रश्रवा ऋषि के पुत्र सोमश्रवा ने राजा जन्मेजय का पुरोहित बनना स्वीकार किया, तब राजा जन्मेजय के सभी अनिष्ट शांत हो गए थे और तब उन्होंने तक्षशिला नामक स्थान पर चढ़ाई करके उसे जीत लिया था। उन्हीं दिनों उस देश में अयोध्यौम्य नाम के एक ऋषि रहा करते थे। उनके तीन प्रधान शिष्य थे, आरुणी, उपमन्यु और वेद। इस एपिसोड में हम आरुणी के आचरण पर बात करेंगे। आरुणी पांचाल देश का रहने वाला था। वह प्रतिदिन गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य किया करता था। उन दिनों सर्दी का मौसम था तो वह आश्रम के लिए जंगल से लकड़ियां लाने के लिए गया हुआ था। जंगल से लकड़ियां लेकर जब वह आश्रम पर पहुंचा तो उसके गुरु धौम्य मुनि ने उसे खेत की मेड़ बांधने के लिए भेज दिया। खेत पर पहुंचने के बाद जब उसने टूटी हुई मेड़ को देखा तो वह बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि पानी का बहाव मेड़ को तोड़कर खेतों में जा रहा था, जिससे फसलें खराब हो सकती थी। और उसने अपने जीवन में पहले कभी भी खेत की मेड़ नहीं बांधी थी, इसलिए वह और भी घबरा गया। परंतु फिर भी उसने अपने पूरे प्रयत्न से खेत की मेड़ बनाई, पर पानी के तेज बहाव ने उस मेड़ को तोड़ दिया। प्रयत्न करते करते जब उससे बांध ना बंधा तो वह हार कर तंग हो गया। तभी उसे एक उपाय सूझा, वह मेड़ की जगह स्वयं लेट गया। इससे पानी का बहना बंद हो गया और वह वहीं पर लेटा रहा। कुछ समय बीतने पर धौम्य मुनि ने अपने शिष्यों से पूछा कि आरुणी कहाँ गया। शिष्यों ने कहा, आपने ही तो उसे खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा था। तब आचार्य ने शिष्यों से कहा कि काफी वक्त बीत चुका है परंतु आरुणी अभी तक आया नहीं, चलो हम लोग भी वहीं चलें जहां पर वह गया है। वहां पहुंचकर जब आचार्य ने आरुणी को पुकारा तो आचार्य की आवाज सुनकर आरुणी उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं यहां हूं गुरुदेव। और आगे बताते हुए कहा कि खेत से जल बहा जा रहा था, जब मैं उसे किसी प्रकार से नहीं रोक सका तो स्वयं ही मेड़ के स्थान पर लेट गया। अब यकायक आपकी आवाज सुनकर मेड़ तोड़कर आपकी सेवा में उपस्थित हूं। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। यह सुन आचार्य ने कहा, बेटा, तुम मेड़ के बांध को उद्दलन करके उठ खड़े हुए हो, इसीलिए तुम्हारा नाम उद्दालक होगा। फिर कृपा दृष्टि से देखते हुए आचार्य ने और भी कहा, बेटा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा और भी कल्याण होगा। सारे वेद और धर्मशास्त्र तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। तब आरुणी अपने आचार्य से वरदान पाकर अपने अभिष्ट स्थान पर चला गया।